अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका रुख करते हुए बिहार से, तो जिस तरह की भयानक भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, भगवान भरोसे वहां की स्थिति है। और आज का ताला मामला सामुदायिक किचन को लेकर मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूं। बाकायदा अधिकारियों की ओर से आम साधारण लोगों को यह समझाया जाता है कि मुख्यमंत्री जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल पूछे तो आप बताइएगा बिहार में सब कुछ बहुत अच्छा है। सर, ऐसे तस्वीर बदलेगी बिहार की? कि बिहार की जो वस्तु स्थिति है, जो तस्वीर है चित्रा जी, वो सबके सामने है और हम लगातार इस संक्रमण पर जीत पाने की ओर अग्रसर है। और जहां तक आप इस एग्जाम्पल की बात कर रही, आप ये समझिए कि सुदूर देहात के इलाके से अगर कोई इंसान आता है और सामुदायिक किचन में वो खाना खाता है, और किसी भी इंसान के अंदर, आप और हम कैमरा फ्रेंडली हो सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन कोई इंसान जो कैमरा फ्रेंडली नहीं है और उसको पहली बार मुख्यमंत्री जी से बातचीत करनी है, मुख्यमंत्री बने हैं और ना बिहार के लोग इतने, मतलब आप जैसा कि दावा कर रहे हैं वो तो समझदार होते हैं और खासतौर से पॉलिटिकल मामलों में, लेकिन अधिकारी अगर उसको तोते की तरह रटवाए कि यही बोलना मुख्यमंत्री जब सवाल पूछे, तो ऐसी तस्वीर बनाएंगे आप बिहार की? कैमरा फ्रेंडली कितने लोग होते हैं? कैमरा फ्रेंडली अस्पतालों में भूसा भरी हुई तस्वीरें सामने आती है, आप कहते हैं कैमरा फ्रेंडली। वेंटिलेटर धूल झाकड़े होते हैं, आप कहते हैं कैमरा फ्रेंडली। लोगों की मौत हो रही है, आप कह रहे हैं कैमरा फ्रेंडली। वहां की नदियों में लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही है, आप कह रहे हैं कैमरा फ्रेंडली। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो एक परसेप्शन है ना आपका चित्रा जी, परसेप्शन में रिपोर्ट है, जिस मुद्दे और रिपोर्ट आंकड़ों के और तथ्यों के आधार पर तैयार की जाती है। चित्रा जी, आपने जिस मुद्दे पर मुझसे सवाल पूछा उसके परिपेक्ष में मैंने कहा कि अगर किसी इंसान के अंदर हेजिटेशन है तो सिर्फ उनको अधिकारी गाइड कर रहे हैं। अगर आप दूसरे परिपेक्ष में बात करेंगे तो मैं उसका जवाब दूसरे हिसाब से दूंगा। मैंने सिर्फ उसी परिपेक्ष में इस बात को कहा, और अभी जिस मुद्दे पर चर्चा करने पड़ी, अगर आप कहें तो मैं पार्टी का पक्ष रखूं उस मुद्दे को लेकर। क्या है पार्टी का पक्ष टूल किट पर, बताइए कौन सच्चा कौन झूठा? देखिए टूल किट कांग्रेस तो सीधे सीधे कह रही है कि फर्जीवाड़ा है ये। जी मैं 30 सेकंड समय लूंगा बस आपसे। देखिए अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। जिस सिलसिलेवार ढंग से टूल किट में सब कुछ मेंशन है और सारी गतिविधियां कांग्रेस पार्टी की, सोनिया जी की हो, राहुल जी की हो, पूरी पार्टी की हो, सभी विपक्षी दल के नेता जो जाकर एक साथ मिलकर चिट्ठी देते हैं, वो वाला पूरा घटनाक्रम हो, या फिर तो टूल किट में यह भी मेंशन है कि कैसे कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन NSUI को आगे करना है, यह सारी चीजें महज इत्तफाक होना एकदम अजीब सा लगता है। और आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी एक टूल किट की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी भले उससे पल्ला झाड़ रही थी लेकिन कहीं ना कहीं संदेह तो उत्पन्न होता है। उस वक्त तो बात किसानों की अभी तो बात है। रतनजय तिवारी जी, क्या फायदा लेने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है, वो भी कोरोना के संक्रमण काल में? क्या विपक्ष की भूमिका ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मौजूदा वक्त में कम से कम एक साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाए और देश को इस कठिन परिस्थिति से निकालने में मदद करे, इस सिवाय राजनीति के? रतनजय तिवारी, नहीं नहीं एकदम चित्रा जी आपने सही कहा, पूरा विपक्ष देश का इस कोरोना के महामारी के समय सरकार के साथ, सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार, लेकिन ये सरकार को तो विपक्ष से सहयोग लेना नहीं है, सरकार को तो कुल किट तो बहाना है। असली तो सरकार को कोरोना में जो सरकार की नाकामी को छुपाना है, सरकार ये कुल किट का जो बहाना बना करके कोरोना के जो नाकाम सरकार कोरोना काल में रही उसी से ये ध्यान भटकाने का प्रयास है। कब तक जुर्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है चित्रा जी चीख पुकार चित्कारों से, नहीं बच सकते सरकार तीखे सवालों के बौछारों से, देना होगा गिन गिन कर हिसाब लाशों के भरमारों का, अब देश को मुक्ति चाहिए ऐसे तानाशाही निकम्मी सरकारों से। चारों ओर हाहाकार है और हर चीज को लेकर के विपक्ष पर दोषारोपण करते हैं। इनके बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस के सामने 100 में 100 बातें झूठी बोलकर चले जाते हैं और मीडिया में खबर बनती है इनकी, इसी का इनको फायदा मिलता है। विपक्ष सवाल नहीं करेगा, चारों ओर हाहाकार है, सरकार की नाकामी उजागर हो गई, बताने की जरूरत नहीं है। गौरव तो मीडिया को धन्यवाद, कोरोना पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है क्या कि टूल किट लाओ, मीडिया में चर्चा का विषय बने और बाकी आंकड़ों से पब्लिक का ध्यान बटाओ, क्या यही कोशिश है बीजेपी की जो आरोप लग रहे हैं? देखिए चित्रा जी, कोविड पे, ठीक है चित्रा जी, कोविड पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरी टीम के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने क्या काम किया है, हम हर रोज आके आपके समक्ष रखते हैं। आज की चर्चा जो झूठ फरेब भ्रम की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, के चुप करा दीजिए प्लीज चित्रा जी, चुप करा, वो चुप है, बोलिए बोलिए अपनी।
ठीक है, देखिए सबसे पहला सुन लीजिए मृत्युंजय तिवारी जी, सुन लीजिए एक बार, आपने आरोप लगा दिया, को चुप मत कराइए, ठीक है, कोई विपक्ष की आवाज चुप नहीं करा रहे, एक बार बोल दे दीजिए, दोनों बोलेंगे साथ में समझ में नहीं आएगी बात, बताइए गौरव भाटिया, आ रही हूं अभय दुबे जी। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मेरा एक ही प्रश्न है, इन्होंने अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं दी, एफआईआर क्यों कर दी? कर दी है साहब, एफआईआर कर दी, एसएचओ तुगलक रोड पे कर दी है। अच्छा कहां कराई है? पुलिस कमिश्नर को कर दी, ये कॉपी पड़ी है मेरे पास, अपनी अपनी बारे में बताइए। अरे साहब इनको चुप करा लीजिए, चित्रा जी इनके बीच में मैं बोला नहीं, मैं तो रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, अब आपने कहा कि कौन सा नंबर है एफआईआर का, एफआईआर कराई या नहीं कराई, उन्होंने तुरंत जवाब दे दीजिए। वो बोलिए गौरव भाटिया, हम डिबेट में बैठे हैं ना, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, इसीलिए शुरू में मैंने बिना किसी की बाधा के सबकी बात को सुन लिया था। अपनी बारी में उत्तर दे दे, जैसे हाँ, ठीक है, वो अपनी बारी में भी उत्तर देंगे, लेकिन आपने एफआईआर को लेकर सवाल किया, उन्होंने तुरंत दिखा दिया कि हाँ, आपने एफआईआर में भी बता सकते हैं, एफआईआर गायब थोड़ी ना हो जाएगी गधे के सर से सींग, जैसे राहुल गांधी गायब हो जाते हैं जब। सर अब ये व्यक्तिगत टिप्पणी गौरव भाटिया, मुझे लगता है कि बचना चाहिए किसी के भी नेता के बारे में बोलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, एक प्लीज आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात हो जाए। गौरव भाटिया, मुझे लगता है बिना व्यक्तिगत टिप्पणी के मुद्दों पर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है, तो पहली बात तो मैंने प्रश्न पूछ लिया है, अपनी बारी आएगी, नंबर बता देंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, राहुल गांधी का 9 मई का ट्वीट है, देश को पीएम का आवास नहीं चाहिए, सांस चाहिए। शशि थरूर का आपने दिखाया, कोविड का, लैंसेट का जिक्र करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं नहीं कहा कि जो कोविड का नया स्ट्रेन है ये इंडियन स्ट्रेन है या मोदी स्ट्रेन है, लेकिन शशि थरूर ने ट्वीट कर दिया इंडियन स्ट्रेन। क्या ये भारत को बदनाम करने की साजिश नहीं है?